स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम अभी 10 जनवरी को हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर का, उसका एक क्वेश्चन सेट को। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारे पास जो बुकलेट सीरीज है ये ए ए है और यहाँ पे टेस्ट बुकलेट है पेपर ए, तो इसी को हम हल करेंगे। सबसे पहले हम आपको इसका जो जीके वाला सेक्शन है उसको हल करेंगे, उसके बाद आपको हिंदी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, उससे पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने शुरू कर दिया है और सबसे पहले हमने आपको बताया है कि हम जीके को ही हल करेंगे। क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बनवाया गया एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो बुलंद दरवाज़ा है जो कि अकबर द्वारा बनवाया गया था ये है आगरा में। देखिए भले ही यह ए सीरीज है लेकिन आपका जो भी सीरीज रही होगी भले क्वेश्चन इधर उधर होंगे लेकिन क्वेश्चन मिलेगा। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देख पाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सही किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन सिंह और गुरु नानक देव, यानी कि इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है। गुरु नानक देव की जयंती को हम गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा से संबंधित नहीं है। देखिए इस तरह के बेतुके सवाल पूछे जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। एग्जाम उत्तर प्रदेश का है और हरियाणा का लोक नृत्य पूछा गया है, लेकिन अगर इसमें से आप देखेंगे तो धमाल, खोरिया, जवारा ये हरियाणा के हैं। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है झूमर, ये हरियाणा से संबंधित नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं 44 नंबर, इसमें से है कि भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। तो इसमें से देखेंगे इलाहाबाद बैंक, पंजाब, यूको और फेडरल। तो जो फेडरल बैंक है ये सार्वजनिक बैंक क्षेत्र का बैंक नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि 2015 में प्रधानमंत्री के द्वारा गैर कारपोरेट, गैर लघु और सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई। यानी कि आप देख सकते हैं कि करंट का कोई वैल्यू नहीं है, आपसे करंट के रूप में 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए जो 10 लाख वाला सिस्टम है ये था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, यानी कि जो 45 नंबर है इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है। किसान कल्याण आयोग, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, कृषि वृद्धि आयोग, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। कृषि लागत एवं कीमत आयोग इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं तो 47 नंबर की प्रधानमंत्री मोदी ने किस महीने के 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो मोदी द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी अगस्त 2019 में। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत जिसे हम थ्योरी ऑफ रिलेविटी कहते हैं ये किसके द्वारा दिया गया था। तो मैडम क्यूरी, आइंस्टीन, अल्फ्रेड नोबल, चार्ल्स डार्विन, तो ये दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो MoEFCC है, इसने अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल शुरू किया है। तो ये अभी अभी शुरू किया गया था और इसमें काउंट किए गए थे हिम तेंदुओं को। 50वां नंबर है कि किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ये घोषित किया गया था 2008 में। अगला है कि इनमें से कौन से राज्य पालघट दर्रे में आपस में जुड़े हैं। पालघट दर्रे के बारे में पूछा गया है, महाराष्ट्र और गोवा नहीं, केरल और तमिलनाडु जुड़े हैं पालघट दर्रे से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं तो यह है 52 नंबर कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीन भागों में बटा हुआ पूछा गया है। तो ये है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लेकिन नहीं, इसका सही उत्तर होगा धौलबीरा। इसके अलावा जो आप तीनों को देखेंगे ये केवल दो दो भाग में बटे हुए थे, एक धौलबीरा ही था जो कि तीन भागों में बटा हुआ था।
अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस कोई नहीं है, 1774 में किया गया था, लेकिन अगर इसमें से कोई नज़दीक का ऑप्शन देखेंगे तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1773। इसी समय एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, यानी कि इसका 53 का ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं तो यह 54 नंबर, 2019 में किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है। तो दूसरी बार वहां के मुख्यमंत्री बने हैं मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर वहां पे बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं, हालांकि वहां पे एक पार्टी से गठबंधन करके सरकार बनाई गई है जो कि है JJM। आगे बढ़ते हैं तो अगला है 55 नंबर कि 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। देखिए 2019 की बात करें तो इसमें इस सन में आपको 2018 का भी दिया गया है और 2019 का भी दिया गया है। तो 2019 के लिए मिला है पीटर हैंडके को, 2018 के लिए मिला है ओल्गा टोका जुर्क को। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आपका जो ऑप्शन सही होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि 22 से 26 नवंबर 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना सबसे पहला दिन रात टेस्ट किस देश के विरुद्ध खेला। तो ये जीत खेला गया था और जीता गया था बांग्लादेश के खिलाफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप कमेंट करके बताइए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम। बांग्लादेश इस समय हमारे देश का एक सबसे बड़ा इशू है घुसपैठियों को लेकर के, तो आप बताइए कमेंट करके वहाँ की जो PM है उनका नाम क्या है। अगला है 57 नंबर की 2019 में US ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो ये जीता गया है राफेल नडाल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो ये 58 नंबर, इसरो द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च करने के समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो ये हैं डॉक्टर के सिवन, और इनको अभी अब्दुल कलाम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला है 59 नंबर की 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। देखिए जो मौलिक कर्तव्य शुरू से नहीं था ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, और यहाँ पे जब ये जोड़ा गया तो केवल 10 थे, लेकिन अगर ये पूछ ले कि इस समय कितने हैं तो एक मौलिक कर्तव्य को 2002 में जोड़ा गया, यानी कि अब इनकी संख्या हो गई है 11, लेकिन क्वेश्चन में 42वें पूछा गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है 60 नंबर की किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय और न्यायालय या फिर किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी भी मामले को उसके उच्चतर प्राधिकारी या फिर न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। यह आपको आर्टिकल 32 में पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे इसे हम कहते हैं उत्प्रेषण। तो ये था पूरा इसका GK। अब चलिए देखते हैं इसके हिंदी के क्वेश्चंस। देखिए हिंदी का क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। क्वेश्चन है कि लक्ष्मण ने पहले एक गद्यांश दिया गया है, बाद में इसी गद्यांश पर रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चन करना होगा। लक्ष्मण ने अकृत्रिम भात स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया, उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया, यह बहुत बड़ी बात की, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया, उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्म सुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह करके आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंत से हाथ धो डाला, जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नौढ़ा को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतर्दर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता, दरिद्रता मतलब कि कमी कह सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए नवोढ़ा एक शब्द मिला है, मतलब कि जिसकी नई नई शादी हुई हो इसको नवोढ़ा बोला जाता है। तो ये रहा एक गद्यांश, अब देखते हैं इस पे आने वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपको इसी में से बताना है तो रामचंद्र की सेवा के लिए तो इसका गलत होगा, पिता की आज्ञा के कारण ये भी गलत था, भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण ये सही है, क्योंकि आप देखेंगे पहले ही लाइन में यहाँ पे भातृ स्नेह लिखा है, भातृ स्नेह मतलब कि भाई के प्यार के
कारण, यानी कि पहले क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि लेखक को क्या दुख है, तो लेखक को दुख वाला जो पॉइंट है आप यहाँ देख सकते हैं नीचे दो लाइनों में, कि इसी के लिए अंतर्दर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता आई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रामचंद्र राजपाट छोड़कर चले गए इसलिए दुखी है, नहीं। लक्ष्मण जी भाई राम के साथ चले गए इसलिए भी नहीं। उर्मिला को लक्ष्मण से वियोग हो गया इसलिए भी नहीं। रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा, यानी कि यहाँ पे देखेंगे शब्द भंडार में दरिद्रता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है कि उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया, क्या बलिदान नहीं दिया ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है कि लक्ष्मण से विवाह किया, गलत। उसने अपनी बहन सीता का वियोग सहा, ये भी गलत। और आप देखिए तीसरा है कि लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास जाने दिया और सांसारिक सुखों का त्याग किया। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर पूरे ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे तो नीचे वाले ये तीनों ऑप्शंस हैं ये गलत है। यहाँ पे क्या बलिदान नहीं दिया, तो उसने लक्ष्मण के साथ विवाह किया, ये उनका बलिदान नहीं था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है चौथा कि उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश को धो डाला, इससे क्या मतलब है। तो यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ लिखा गया है यहाँ पर कि सांसारिक सुख का मतलब कि नौड़ा होते हुए भी उसने अपने पति को जाने दिया, तो उससे रिलेटेड यही है और इसके लिए सही उत्तर होगा उर्मिला को रामचंद्र के साथ रहने का सौभाग्य मिला, ये गलत है पहला ऑप्शन। उर्मिला को नौड़ पति के साथ सुख का त्याग करना पड़ा, तो इसके लिए यही ऑप्शन सही होगा, चौथे का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पांचवा है कि भलमानस में कौन सा समास है, भलमानस, तो भला है मानस जो, मतलब कि जो व्यक्ति अच्छा है इसको हम मानस कहते हैं, भलमानस कहते हैं, और जहाँ पर जो शब्द आ जाए वहाँ पे कर्मधारय समास होता है, जैसे कि जिसमें किसी उपमेय में उपमान की विशेषता बताई जाए उस तरह में कर्मधारय होता है, तो यहाँ पे कर्मधारय होगा। छठवां है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो अदरक का अदरक होता है, अनाड़ी का अनार्य होता है, ये भी दोनों सही है, अमी का अमृत नहीं होता है, अमी का अमी होता है, अम अ और मी पर छोटी का मंत्रा और यह अमी होता है, तो यहाँ पे ये गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है सातवां कि दवा किस भाषा का शब्द है, तो जो दवा शब्द है ये है फारसी, दवा कैसा शब्द है, फारसी। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध शब्द का चयन करिए, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा सभी आपको अच्छे दिख रहे होंगे, सही दिख रहे होंगे, लेकिन अभ्यस्त तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे थ है वहाँ पे त होता है, ठीक, तो ये तो गलत है। दूसरा अहल्या इसका सही है, ठीक। अगर बात करें ऑप्शन सी की, तो यहाँ पे जो बीच में आप देखेंगे आधा, यहाँ पे आधा त है, इस आधा त के ऊपर एक लाइनिंग लगी होती है, तो ये भी गलत है और महत्व भी गलत है, ये दोनों गलत है सी और डी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा अहिल्या। नवा देखते हैं, नवा है कि रिक्त स्थानों के लिए उचित पर्याय का चयन करिए, यहाँ पे आपको बताना था कि हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या है, अभिमान है, गर्व है, दर्प है या फिर घमंड है। आप देखेंगे कि सभी रिलेटेड ही हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो उत्तर सही होगा ये गर्व होगा। तो अगर आप को इस वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्याल शब्द का अर्थ नहीं है, ब्याल शब्द का अर्थ, तो ब्याल मतलब होता है सांप, सही होता ही है, शेर भी होता है, राजा भी होता है, लेकिन ब्याल का मतलब कहीं भी दुर्गा नहीं होता है, यानी कि दसवां का ऑप्शन नंबर डी सही है। ग्यारहवां क्वेश्चन की अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करिए, जो अशुद्ध हो, तो यहाँ पे कर्कश का मधुर सही है, ऐश्वर्य का ऐश्वर्य का आप देखेंगे अनैश्वर्य, ये भी सही है, ऋजु का वक्र, ये भी सही है, एहिक का लौकिक, एहिक का लौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है ये लौकिक का, तो यानी कि ये वाला जो ऑप्शन सही मतलब गलत है, तो यहाँ पे अशुद्ध आपको बताना था, यानी क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है 12 नंबर के अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करिए, अरविंद, कज और नलिन, अगार, निलय और धाम, दस्यु, मूषक और कनक, इसमें एक ही चीज़ के बारे में बताया गया है, लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर डी देखें, पीयूष और सुधा मतलब होता है अमृत, और दृग, दृग मतलब यहाँ पे दृष्टि होती है, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा,
12वें नंबर का। 13वां है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक शब्द में कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। जो वर्णन से बाहर हो उसे हम कहते हैं वर्णातीत, जो देखा नहीं जा सकता उसे हम कहते हैं अदृश्य, जो आमिष नहीं खाता इसको हम निरामिष बोलते हैं, यानी कि इसका यही वाला ऑप्शन सही होगा। ये सामिस नहीं होना चाहिए, निरामिष होना चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो गणेश, गण और गणपति, ये तीनों पुल्लिंग है। यहाँ पे जो गणना है तो आप देखेंगे ये किसी भी चीज़ की गणना की जाती है, यानी कि गणना स्त्रीलिंग शब्द है। अब आगे बढ़ते हैं, ये है 15वां कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान करिए। न तुम पढ़ाओगे, न वह पढ़ेगा। दीनू सौरभ दीनू को पत्र लिखता है। मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं। तो ये तो होगा नहीं, ये तो मिस्र होगा। जब भी उस भिखारी को देखता हूं मेरा मन करुणा से भर जाता है। जो दूसरा वाक्य है पहले से संबंधित है, पहले के बाद ही दूसरा आएगा, यानी कि ये भी नहीं होगा और पहला होगा ही नहीं क्योंकि पहला सरल वाक्य है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। न तुम पढ़ाओगे न वो पढ़ेगा, दोनों अलग अलग हैं, यानी कि यही इसका लिए सही होगा। 16वां है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है। पानी पानी होना का मतलब शर्मिंदा होता है, अपना सा मुँह लेकर आ जाना मतलब शर्मिंदा होता है, टका सा मुँह लेकर आ जाना मतलब शर्मिंदा होता है, और मुँह में पानी आना इसका मतलब शर्मिंदा नहीं होता है। ये लालच या फिर किसी चीज़ को खाने की इच्छा होती है, तो ये इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि विराम चिन्हों की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। बस हो गया, रहने दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे दो जगह विराम लगाया है, बस के बाद भी और हो गया के बाद भी। ऊंच नीच, अमीर गरीब, समाज की विभाजक रेखाएं हैं, ये बिल्कुल सही है। क्या आप पटना के रहने वाले हैं, ये भी सही है। वाह, यहाँ पर एक संबोधन का चिन्ह भी लगा हुआ है। तुम्हारे क्या कहने, तुम बहुत ऊपर तक जाओगे, यानी कि इसमें का पहला नंबर अशुद्ध है और यही इसके लिए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बस के बाद भी विराम लगा है और हो गया के बाद भी विराम लगा है। यहाँ पे बस एक ही होना चाहिए, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 18 देखते हैं, तो 18वां है कि आधा तीतर आधा बटेर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो आप चारों पढ़ सकते हैं, चारों में है कि बेमेल चीज़ों का मिश्रण, उसके बाद से शंकर चिड़िया, अनुपम वस्तु और समान कार्यों का मिश्रण। आधा तीतर मतलब आधा कुछ और आधा कुछ और, यानी कि बेमेल चीज़ों का मिश्रण, पहला इसके लिए सही होगा। 19वां है कि तौलिया किस भाषा का शब्द है। तौलिया, तो आप देखेंगे जो तौलिया शब्द है ये एक पुर्तगाली शब्द है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। आपको बताना है कि नहीं है, तो इसके लिए आप देखेंगे तत्कालिक वर्तमान होता है, पूर्ण वर्तमान होता है, संदिग्ध वर्तमान होता है, लेकिन हेतु हेतु मत वर्तमान नहीं होता, ये केवल भूतकाल और भविष्यकाल में होता है, खास करके भूतकाल में। तो ये रहा आपकी पूरा हिंदी और जीके की वीडियो। अगर आप इसका रीजनिंग वाला सेक्शन देखना चाहते हैं तो आपको अलग से वीडियो मिलेगी, और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो वो ऑलरेडी अपलोड हो, इसलिए आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। उसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसका बेल आइकन दबाइए। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका कैटेगरी कौन है और आपने कितने प्रश्न सही किया है, ताकि आपकी एक्सपेक्टेड कटऑफ बनाई जा सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।